सब्सक्राइब कीजिए आरएस टेक इन फोर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके गूगल, टेल मी टेम्परेचर इन मुंबई। द टेम्परेचर देयर इज 32। ओके गूगल, सेट अलार्म फॉर मी। ओके, सेट इट फॉर व्हेन? 6 AM। All right, your alarm set for tomorrow at 6 AM. नमस्कार दोस्तों, आरएस टेक इन्फोस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने देखा किस तरह से गूगल असिस्टेंट मेरे फ़ोन पर काम कर रहा है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे आप किस तरह अपने फ़ोन पर गूगल असिस्टेंट एनेबल कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट आपके फ़ोन पे एनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च में आपको गूगल सर्च करना होगा। सर्च होने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए गूगल आ गया, इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें इसे स्क्रॉल करना है सबसे नीचे। यहाँ पर देखिए बिकम अ बीटा टेस्टर, तो हमें यहाँ पर आई एम पे क्लिक करना है। उसके बाद ज्वाइन पे क्लिक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर बीटा साइन अप इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो इसे कुछ टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा आपका बीटा टेस्टिंग में एनरोल होने के लिए। एनरोल होने के बाद आपको यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, तब तक हम थोड़ा वेट करेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से चेक कर लेंगे बीटा टेस्टिंग हमारा एनरोल हुआ है या नहीं। ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, यू आर अ बीटा टेस्टर फॉर दिस ऐप। तो अब हम यहाँ पर इसे अपडेट कर लेंगे। गूगल ऐप अपडेट होने के बाद हमें इसे क्लोज कर देना है। इसके बाद हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद हमें ऐप्स मैनेजर यानी एप्लीकेशन मैनेजर में जाना है और गूगल ऐप को सर्च करना है। गूगल ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें इसका डेटा क्लीन करना है और कैश मेमोरी इसकी क्लीन करनी है। रीसेट करने के बाद हमें यहाँ पर रीसेट बैक करना है और आपको लैंग्वेज और इनपुट में जाना है। लैंग्वेज और इनपुट में आपको यहाँ पर चेक करना है आपका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपके डिवाइस में क्या सेट है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्टेड है ऑलरेडी, तो हमें गूगल असिस्टेंस के लिए इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की ही ज़रूरत है, तो यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर नहीं है तो इसे यहाँ पर सेट कर लीजिए। इसके बाद सारे रिसेंट ऐप्स को आपको क्लियर करना है। इसके बाद होम बटन दबाकर हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारा गूगल असिस्टेंस काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए नया वाला यहाँ पर सेटअप हो रहा है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल नीचे करने के बाद आई मीन पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ओके गूगल तीन बार बोलना है। ओके गूगल, ओके गूगल। ये देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है मुझे माइक का, तो मैं इसे बाद में शॉर्ट आउट कर लेता हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पर तीन बार ओके गूगल बोलना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर चेक कर लेंगे ये कैसे काम करता है। ओके गूगल, टेल मी टेम्परेचर इन मुंबई। द टेम्परेचर देयर इज 32। ओके गूगल, सेट अलार्म फॉर मी। ओके, सेट इट फॉर व्हेन? 6 AM। All right, your alarm set for tomorrow at 6 AM. Okay, Google, call Suraj. Do you want to call Suraj or Suraj Singh? Suraj. Which number? For example, you can say the first one. तो इस तरह से आप Google Assistant आपके फोन पर यूज कर सकते हैं।
मम्मी का तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके सुझाव कमेंट में लिखना ना भूलें। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।